हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियोन क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हम लोग जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो कि राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं स्टेट्स से इलेक्ट होके राज्यसभा में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, जिसमें 1954 में इसका नामांकन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इन लोग के अब मैं टेन्योर की बात करूं राज्यसभा के मेंबर्स की, तो इन लोग का टेन्योर 6 इयर्स का होता है, जिसमें कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम हम लोग बेसिक से धीरे धीरे चल रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, जब 1952 में अगस्त में जब फर्स्ट टाइम इसकी बैठक बैठी, उसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास 250 राज्यसभा के मेंबर्स थे, तो जो अगर हम लोग उसको टेन्योर देखें 6 साल का, तो ये ख़त्म होता कुछ 1958 में। लेकिन हम लोग को हर 2 साल में क्या करना था, इसको कुछ मेंबर्स को रिटायर करना था। अब इसमें हम लोग किसको रिटायर करें, अगला जो 2 साल होता 1952 के बाद 1954 होता, फिर वो होता किस में 1956, और वो होता 1958 में। तो हम लोगों ने क्या किया, 1/3 मेंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लॉटरी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी हम लोगों ने 1/3 मेंबर को यहाँ पे क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब बचे कितने, 2/3 मेंबर्स। 1/3 यहाँ पे रिटायर हो गए, फिर 2/3 हम लोगों ने यहाँ पे, फिर 1/3 को फिर यहाँ पे रिटायर कर दिया, और बचे 1/3 को हम लोगों ने यहाँ पे रिटायर कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ, अब हम लोग का क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिटायर होकर चले गए, तो अब इनका प्रोसेस कितना होगा, 1956 टू 1962। जो यहाँ पे रिटायर हो गए, जो यहाँ पे इलेक्ट हुए होंगे नए मेंबर्स, वो लोग कहाँ तक जाएंगे, 1960 तक, और ये 1962 तक। तो ऐसे ही ये करके 6-6 साल का इन लोगों का टेन्योर बनने लगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। तो जो इसका इलेक्शन प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अब बात करते हैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, लेट मैं बात करता हूँ यूपी की। ठीक है, हमको यूपी से क्या करना है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यूपी का। ठीक है, टोटल राज्यसभा में सीट्स आपकी जो पहले थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, 250 हम लोगों ने निर्धारित की थी, जिसमें 238 लेजिस्लेटिव असेंबली से अलग अलग स्टेट से सेलेक्ट होके आएंगे, और 12 क्या होते थे, मनोनीत किए जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटेड किए जाते थे बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये लोग को क्या है, ये लोग किसी पार्टी को चाहे तो चुन भी सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर। अदरवाइज हम लोग को पता है कि शेड्यूल 10 के तहत एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जो कि आप लोग जानते हैं, उसका उल्लंघन भी हो सकता है। सो ये तो बात की चीज़ है, हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ पे है इलेक्शन प्रोसीजर। अब कितना है, 245 आपके राज्यसभा में एमपीज हैं, जिसमें कि 200 एंड
29 मेंबर्स क्या करते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को, एंड 12 मेंबर्स आपके क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि क्या होता है, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात कर लें, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग किसका, उत्तर प्रदेश का, ओके फ्रेंड्स। अगर मैं यूपी में आपके टोटल मेंबर ऑफ एमएलएस कितने हैं, 403, ओके 403 एमएलएस है। लेट मैं एज्यूम कर लेते हैं, लेट हमारे यूपी में वैकेंसीज आई हैं और 10 वैकेंट सीट्स हैं इस बार राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए, ओके 10 वैकेंट सीट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो चाहिए होते हैं, या फिर हम लोग को जितना टोटल नंबर एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है, वो इस तरह होता है कि टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स प्लस 1 और होल टोटल 1, ओके। सो अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम लोग के 403 एमएलएज हैं यूपी में, मान लीजिए हमारे 10 वैकेंसीज थी और कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए हम उसको 9 ले लेते हैं, सो 9 वैकेंसीज थी और हमारे पास क्या था, प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 403 बाई 10 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 41.3। और हम लोग इसमें जो एम एल एज होंगे वो लोग तो पॉइंट में होंगे नहीं, तो हम लोग इसको ले लेते हैं राउंड ओवर, दैट इज 42, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, अगर हम लोग को राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करके राज्यसभा में पहुंचाना है तो हम लोग को कितना चाहिए होगा, मिनिमम 42 एम एल एज का सपोर्ट चाहिए होगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं फॉर एम पी ऑफ राज्यसभा, लेट एक आमिर खान, एक एस आर के और एक सलमान खान, मैं ऐसे ही अज्यूम कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को, दैट इज सलमान खान, सल्लू भैया, ठीक है, ये तीनों लोग क्या हैं, खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें दो केस बन सकते हैं, ठीक है। पहले तो इलेक्शन आपका जो होता है इसमें क्या होता है, आपका बैलेट पेपर से होता है, और बैलेट पेपर क्या होता है, ओपन बैलेट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस सेट करते हैं। लेट यहाँ पे आपका आमिर है, ये एस आर के है, ये सलमान है, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बॉक्स बना रहेगा और ये ओपन बैलेट रहेगा। ओपन बैलेट इसलिए रहता है क्योंकि ताकि आपके जो पार्टी के पदाधिकारी वगैरह होंगे वो आपका प्रेफरेंस देख सकें। आप इसमें कुछ भी प्रेफरेंस दे सकते हो, मान लीजिए आप इसको 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, या फिर आप सबको फिल ना करो, या किसी को 1 दे दो, इसको 2 दे दो, बस इसको फिल ना करो, तब भी ये हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का होता है वो भी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, बट उसमें क्या है, क्लोज बैलेट होता है। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव एक बार फंस गए थे, उन्होंने क्या कर दिया था, ओपन अपना बैलेट किसी को दिखा दिया था, ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है। सो अब क्या होगा, इसमें अगर हमारे सारे एमएलएज ने हमारे पहले क्या किया, बैलेट पेपर से वोटिंग कर दिया, ठीक है, अपना अपना मत दे दिया और सबका प्रेफरेंस दे दिया, अब क्या होगा, सारे जितने बैलेट्स होंगे उनकी काउंटिंग होगी, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए जब काउंटिंग हुई उसका नंबर 1 प्रेफरेंस को गिना जाएगा, मान लीजिए कि आमिर खान को समथिंग 40 वोट्स मिल गए, एस आर के को मिल गए समथिंग 38 और सलमान को मिल गए 20, ओके, तो क्या होगा, ठीक है, ये केस 1 था। केस 2 मैं बात कर लूँ, लेट एस आर के को मिल गए समथिंग 45 और आमिर को मिल गए समथिंग 30 एंड ऐसे सल्लूम भाई को कुछ मिल गए 20 वोट्स। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि आपके जो एस आर के हैं ये राज्यसभा पहुंच जाएंगे, ठीक है, वहाँ के एमपी बन जाएंगे, ठीक है, ये एक केस हो गया। मैं दूसरे केस की बात कर लूँ, अगर इसी केस में तीनों लोगों को क्या होगा, तीनों लोग को अगर किसी का 42 जो हम लोग का जादुई आंकड़ा था
उससे ज़्यादा किसी को भी नंबर वन प्रेफरेंस नहीं मिली सारे MLAs का मिला के, तो क्या होगा? तब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे आमिर के पास था समथिंग 40 वोट्स, SRK के पास था 32 और सल्लू भाई के पास था 20 वोट्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट जिसका होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस रेस से हटा देंगे, ठीक है, इस रेस से हटा दिया। अब उसके वोट को क्या करेंगे, बाइफर गेट कर देंगे, उसके वोट को हम लोग क्या कर देंगे, बाइफर गेट कर देंगे, ठीक है। बाइफर गेट करने के बाद अब जो जितने भी इनके वोटिंग होंगे उनके हम लोग उनको हम लोग फिर से खोलेंगे, और उसमें जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर का प्रेफरेंस इन दोनों में जिसको ज़्यादा मिलेगा वो वोट्स इनको चले जाएंगे। और जैसे ही वो सम हो जाएंगे, जो कि क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ 42 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे जो आमिर खान होंगे या जो भी मेंबर होगा वो राज्यसभा पहुंच जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।